हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। और जून का महीना चालू हो चुका है, ये आप सब जानते ही हैं। तो उसी को लेके आज एक पेंटिंग बनाते हैं या ड्राइंग बनाते हैं, और इसमें मॉनसून को भी दिखाएंगे थोड़ा सा। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने के लिए आज उसमें हम यूज़ करेंगे इस पेन को। वैसे तो मैंने कार्टून में इसे यूज़ किया है, पर आज पहली बार मैं किसी पेंटिंग में इसे यूज़ करने वाला हूँ। तो आप साथ ही बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ लाइक शेयर भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को धड़ल्ले से दिखाइए। तो फटाफट हम लोग सबसे पहले कलर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग कैमलिन के ऑयल पेस्टल्स यूज़ करेंगे, और स्केच में आज हम लोग ये चार यूज़ करेंगे। बता देता हूँ मैं इनको ठीक से, ब्लैक, ब्राउन और येलो और ऑरेंज, ये हमारे स्केच में यूज़ होंगे स्केल लाइन के लिए, पेन आउटलाइनिंग के लिए, और कुछ कुछ जगहों पे इसे यूज़ करेंगे। और पेंसिल स्केच के लिए, एक्राइलिक्स में हम यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। और आज हम दो कलर्स जो हैं वो डॉम्स के यूज़ करेंगे, जो डॉम ऑयल पेस्टल्स के कलर्स होते हैं, तो उसमें से यूज़ करेंगे। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे हम फिनिशिंग का काम करेंगे, जो हम फोकस वाली चीज़ों को दिखाएंगे जिससे। और मेन कलर्स जो होंगे उसमें, उसमें मैं बता दूं, ब्लैक एंड वाइट, मीडियम येलो और डीप येलो, और आखिर में हमारा ब्लू एंड शेप ग्रीन। तो ये हमारे कुछ कलर्स होंगे। तो हमारे आज अलग अलग कलर्स यूज़ होने वाले इस पेंटिंग में। तो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसमें, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्केच। तो इस पेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि स्केच जो हम लोग बनाएंगे उसका पहले कंटेंट कैसा होगा वो सबसे पहले। तो उसमें हम लीफ को बनाएंगे जिस जो हमारा मेन फोकस में होगा, फिर उसके बाद उसमें कलर करेंगे, और जो बूंदों वाला कॉन्सेप्ट है वो सबसे आखिर में करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा स्केच हो चुका है रेडी, तो अब करते हैं इसमें कलर। तो कलर में हम लोग मीडियम येलो से स्टार्ट करेंगे, और इसमें लीफ के एंडिंग पॉइंट को पहले करेंगे कलर, फिर उसके बाद बीच के पॉइंट को करेंगे, मतलब सेंटर पॉइंट को करेंगे कलर। तो इसमें हमें तीन कलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसमें आते हैं येलो, येलो मीडियम और ब्राउन। तो ये मेन होंगे, और इसकी जो बीच के जो हमें फोकस वाली चीज़ों को, मतलब इंटरनल लाइन को जो बनाना होगा, वो हमें स्केच ब्राउन से बनाएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के। साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज़ का वो ध्यान रखें, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डोम्स के कलर्स के बारे में बताया था वो हम यही यूज़ करेंगे। उसका काम होगा इसकी फिनिशिंग और आउटलाइनिंग करना। तो वो दो कलर्स थे, उन दोनों के नाम मैं बता दूँ, एक था ब्राउन और एक था डार्क ब्राउन। तो दोनों को हम यही यूज़ करेंगे शेड की फॉर्म में। Thank you.
हाँ दोस्तों, तो अब हमारी लीफ हो गई है बिल्कुल रेडी, जिसमें इंटीरियर और आउटर पार्ट दोनों शामिल है, जिसमें फिनिशिंग और इसकी लाइनिंग दोनों शामिल है। तो इसे हम लोग ने बनाया है ब्राउन स्केच से। तो अब बनाते हैं इसका बैकग्राउंड एरिया, मतलब पेंटिंग के बैकग्राउंड एरिया किस तरीके का होगा ये बनाते हैं। तो मैंने याद होगा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि किसी भी पेंटिंग को ब्लर बनाने के लिए उसमें ऊपर से वाइट कर दीजिए और उसे ब्लेंड कर दीजिए, तो वो ब्लर में बदल जाता है। तो इसमें जो हमारे बैकग्राउंड कलर्स जो होंगे वो हमारे होंगे मीडियम येलो, ब्लैक और शेप ग्रीन और ब्लू, लाइट ब्लू। तो ये हमारे चार कलर्स होंगे, उसको ब्लर बनाएगा हमारा वाइट कलर। तो पहले इसे ब्लेंड करेंगे जो हम कर रहे हैं ईयरबड्स से। और इसे ब्लेंड करने के लिए आप अपने ईयरबड्स को या फिर जो भी आप जिससे भी आप इसे ब्लेंड करें उसको आप सर्कल में ब्लेंड करें, ना कि स्ट्रेट। पहले सर्कल करें फिर उसके बाद में स्ट्रेट करके उसे ठीक कर दें, जैसा वीडियो में आगे दिखाया गया है। तो जैसे जैसे इसमें दिखाया वैसे आप फॉलो करें और इसे ट्राई करें। हाँ दोस्तों, तो हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट सारी पूरी हो चुकी है, बस एक चीज़ की कमी है जो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगी, और ये हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट ही है इस टाइम पे वीडियो का। तो अब हम लोग बनाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो बनाएंगे हम लोग ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से हम लोग उस जगह पे बनाएंगे जहाँ पर ऑयल पेस्टल कलर्स नहीं पहुँचे हैं, जैसे इसका वाइट एरिया, जैसे आसमान वाला जो एरिया है उसमें हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स पेन की मदद से बनाएंगे। पर जो ऑयल पेस्टल वाले जगह हैं वहाँ पे हमें ब्लैक एक्रेलिक का यूज़ करना होगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक पेन वहाँ यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो चलता नहीं है। तो आप ब्लैक एक्रेलिक का यूज़ करके आप ऑयल पेस्टल वाली जगहों पे आप इसको बना सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो ऑयल पेस्टल्स वाले कलर होते हैं उसमें वाटर कलर्स भी नहीं चलते हैं, तो आप वहाँ पर केवल एक्राइलिक कलर का ही यूज़ करके वाटर ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको सर्कल पूरा करना होगा, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उसमें कुछ एरिया पार्ट छोड़ देते हैं और कुछ
बना देते हैं तो वो गलत बन जाती हैं, तो आपको पूरा सर्कल करना होगा जैसे वीडियो के में दिखाया गया है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी हो तो आप वीडियो को रोक कर उसको ध्यान से देख कर फिर उसे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ का तो पता चल गया कि आप वाइट वाले एरिया में किस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं, पर ब्लैक वाले एरिया में आप किस तरीके से बनाएंगे उसे जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको ब्लैक एक्राइलिक तो चाहिए ही होगा, साथ ही साथ में आपको वाइट एक्राइलिक की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ब्लैक वाले एरिया में जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं तो वो उसमें वाइट रिफ्लेक्शन आता है, तो उसे भी दिखाना होगा हमें, तो आप वाइट एक्राइलिक भी साथ रखें। नहीं तो आप वाइट एक्राइलिक नहीं हैं तो आप फ्लूड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर, तो आप देखें और ट्राई करें। दोस्तों तो अब हमारी पेंटिंग हो गई है बिल्कुल रेडी, तो अब उतारते हैं इसकी टेप। टेप उतारते समय आप थोड़ी सावधानी का इस्तेमाल रखें और अपने दूसरे वाले हाथ का इस्तेमाल ज़रूर करें और टेप को आराम से वो धीरे से उतारते हैं, और उम्मीद है कि आप
मजे में होंगे और मानसून का पूरा पूरा मजा ले रहे होंगे।